नमस्कार बच्चों, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद हमारा क्लास शुरू हुआ है। अभी ऑनलाइन क्लास, अब थर्ड सेशन है। तो आज मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगी। संज्ञा मतलब नाउन, इसके बारे में आज बताऊंगी। तो आज हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी प्राणी के नाम, या किसी भी गुण या भाव या आदि जिसके दशा को के बारे में बोलते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। फिर से बताती हूँ, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी प्राणी का नाम या किसी गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मैं इसका डेफिनेशन भी लिख दूंगी। तो देखिए, किसी भी संज्ञा का परिभाषा है ये। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान और स्थान आदि के नामों को, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ये है हमारी परिभाषा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। नाउन मतलब है एनी प्लेस, प्लेस ऑफ एनी नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ लिविंग थिंग्स, एनी फीलिंग्स ऑल्सो इज कॉल्ड अ नाउन। ओके, सो वी विल से हियर व्यक्ति, किसी व्यक्तियों के नाम और वस्तु के नाम, स्थान के नाम, या प्राणियों के नाम या गुण के नाम। यार हम देखेंगे, कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। मेरा नाम हो सकता है, तुम्हारा नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे व्यक्तियों का नाम। तो देखें, लोकेश वो व्यक्ति का नाम है। रमेश या नरेंद्र मोदी, मोदी। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो वो किसी का भी नाम हो सकता है। आपका नाम, मेरा नाम और किसी के भी बच्चे का नाम हो सकता है। आप तो लोकेश, रमेश, नरेंद्र, मोदी। हालांकि वस्तु का नाम, तो वस्तु हो सकते हैं, हमारे यहाँ पर पंखा है, तो पंखा। पंखा मीन्स फैन। हाँ, घड़ी, घड़ी मीन्स वॉच, घड़ी। और क्या हो सकता है? बल्ला, बल्ला मीन्स बैट। तो इस तरह कोई भी थिंग्स के नाम को क्या बोलते हैं? वस्तु। तो यहां पर हम देखेंगे स्थान। तो स्थान है, तो स्थान मतलब एनी प्लेस। तो यहां पर हम स्थान देखेंगे, तो दिल्ली हो सकता है, हैदराबाद हो सकता है, और आगरा हो सकता है, कोई भी स्थान। और हम यहां पर रहते हैं, तो पालकोलू भी हो सकता है, तो किसी का भी नाम। तो यहां पर हम देखेंगे के वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम और गुण के नाम। अब प्राणी देखेंगे, वह कोई भी जीव हो, कैसा भी हो सकता है। मछली, मछली, मछली मीन्स फिश, मछली। और घोड़ा, घोड़ा या हाथी,
कोई भी प्राणी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसके नामों को क्या हम संज्ञा बोलते हैं। तो गुण, हमारे गुण कैसे हैं, गुण मतलब है कि हम अच्छे हैं बुरे हैं उसके बारे में। हमारे गुण कैसे हैं, ईमानदार मीन्स ऑनेस्टी, ईमानदार या ईमानदारी, या सच्चाई ट्रूथ, सच्चाई, इस तरह के शब्द यहां पर आते हैं। तो ये और एक भाव भी है, इसके बाद हम देखेंगे भाव लास्ट में, ये जो भाव है ना, तो भाव के नाम को क्या है, भाव। भाव में जैसे क्रोध, क्रोध क्रोध मीन्स गुस्सा, एंग्री, और इसके बाद दया मीन्स काइंड, या प्रसन्नता मीन्स हैप्पी, इस तरह के। तो हम देखें संज्ञा है, संज्ञा मतलब किसी भी स्थान का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का हो सकता है, कोई भी गुण, अभाव आदि स्थानों के नाम, इन सभी के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसमें हम व्यक्तियों के बारे में देखेंगे, व्यक्तियों के बारे में देखेंगे, तो व्यक्तियों के नाम में लोकेश, रमेश, नरेंद्र मोदी, कोई किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो यहां पर वस्तु, एनी थिंग्स, यू कैन टेक द एनी थिंग्स ऑफ वॉट एवर हियर, द वॉट एवर द थिंग्स हियर वी आर सी। तो यहां पर पंखा, घड़ी, बल्ला, हम कुछ भी देख सकते हैं। स्थान, स्थान मतलब ये है कि दिल्ली, हैदराबाद, आगरा, किसी का भी हम नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्राणी, प्राणी मीन्स एनी लिविंग थिंग्स, मछली, घोड़ा, हाथी, मच्छर, उसके भी प्राणी है ना, मच्छर मीन्स मॉस्किटो, द नेम ऑफ द एनी थिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस, यू कैन से दैट दैट इज अ संज्ञा। तो हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार, सभी सभी को एक बार फिर से दोहराऊंगी कि अभी किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु, गुण, भाव, स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, वंस अगेन, नाउन इज दैट डेफिनेशन इज नाउन इज किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव और स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो उसमें व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, वस्तुओं के नाम हो सकते हैं, स्थानों के नाम, गुणों के नाम, ये सब। तो उसमें हम देखते हैं लोकेश, रमेश, नरेंद्र, मोदी। तो अगर हम वस्तु में देखेंगे पंखा, घड़ी, बल्ला, और देखा हैदराबाद, आगरा, ये सब देखा। तो स्थान में गुण, और यहाँ पर भाव, भाव मीन्स हमारे फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स के भी नाम होते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, भाव। क्रोध, क्रोध मीन्स गुस्सा, दया, दया मीन्स काइंड, और यहाँ पर प्रसन्नता मीन्स हैप्पी। तो इनके भी नाम होते हैं, वो हमारे फीलिंग्स होते हैं, तो उसको देख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन, इसको हम अंग्रेजी में टाइप्स ऑफ नाउन कहते हैं। तो संज्ञा के प्रकार में फर्स्ट कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, हम इसको देखेंगे थ्री टाइप्स, बट वी विल एड इट टू मोर, सो क्या है, पांच प्रकार होते हैं। तो हम देखेंगे हियर, तो क्या संज्ञा के प्रकार क्या है, फर्स्ट वन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहां पर हमारा पहला है, फर्स्ट टाइप इज, फर्स्ट संज्ञा के प्रकार में है व्यक्तिवाचक, इस व्यक्तिवाचक में। दूसरा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड प्रॉपर, प्रॉपर नाउन इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन इज जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जाति इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। नेक्स्ट थर्ड वन इज भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा,
भाववाचक संज्ञा. तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो ये थ्री टाइप्स ऑफ नाउन है, तीन प्रकार की नाउन. इन इंग्लिश वी डू प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट. इन हिंदी इट इज कॉल्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा. हियर आई एम व्यक्तिवाचक संज्ञा, वी विल से द एनी पर्सन नेम्स, नेम ऑफ द पर्सन यू विल से, और एनी पर्सन, नेम ऑफ द थिंग यू विल से, नेम ऑफ द एनी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और अन पर्टिकुलर एनी थिंग यू आर सेइंग, दैट दैट इज कॉल्ड एज व्यक्तिवाच. एंड यू आर शोइंग दैट पर्टिकुलर थिंग्स, यू आर मेंशनिंग सम पर्टिकुलर. इन पालकोलू देर इज अ टू केस ऑफ करोना, दैट इज यू आर पर्टिकुलरली मेंशनिंग द पर्टिकुलर प्लेस. So there, no. So that is called a jati. That is a proper noun, or that is called a vyaktivachak sanya. So यहाँ पर क्या है? कोई भी हो सकता है. ये व्यक्ति भी हो सकता है, किसी भी विशेष व्यक्ति होता है, किसी विशेष, किसी विशेष, विशेष व्यक्ति या किसी विशेष विशेष स्थान या विशेष वस्तु, विशेष वस्तु. तो हम यहां पर किसी भी स्थान के व्यक्ति के बारे में बोलेंगे, तो हमारे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं. तो हम यहाँ के पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हैं. तो यहां पर हम पर्टिकुलर विशेष मीन्स अ पर्टिकुलर, वी आर मेंशनिंग हियर द पर्टिकुलर पीपल, और हियर द पर्टिकुलर प्लेस, किसी विशेष स्थान, यार वी आर मेंशनिंग द पर्टिकुलर. आगरा में क्या है? ताजमहल है. वी आर टॉकिंग अबाउट द आगरा, हियर द पर्टिकुलर प्लेस वी आर टॉकिंग. एट द सेम वे पर्टिकुलर थिंग वी आर टॉकिंग हियर, द पर्टिकुलर थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, द पर्टिकुलर रिक्टर स्केल इज मेजरिंग फॉर द अर्थक्वेक, द पर्टिकुलर फैन इज यूज फॉर द for our favorite, for the cool air, like that we are using, the particular things we are using, that is called a that is what called a abstract, or sorry, proper noun, that is in Hindi vyaktivachak sanya. Understood? I hope understood. So next, jativachak sanya. Here jativachak sanya means common noun. Common noun means either the fruit, either the vegetables, either the animals, either the bird, animals or any things in the nature we will find, that is a common. But here when we taking the particular fruit, the fruits means it comes all types of fruits, no, all types of it is grapes, is oranges, apple, pineapple, this many is coming. So that is jati, there is a different types of different types of, what is that called, fruits. When we are taking the different types of flowers, we take the rose, lily, jasmine. There are different types. If you will take this different types of mountains, you take, there is a fold mountains, block mountains, and a very height mountains. So we will take like the same way we will take animals. Animals you are taking, there is a land animal, aquatic animals, and there's a domestic animals. Then change, there is a difference. No, there is a changing. No, so that is a in that is a jati, there is a, the variation is different, jati. As the same way human beings also, human beings we are separating, no, just either the old man, either be the young one, either the female or male, like this we will be mentioning here. So mention here, either we will take the city, either the big city or the small city, either there is a good and famous city, is we were taking particular things we will call us. Acha bachcho, main ek bar fir se aapko jativachak sanya ke bare mein batana chahti hu, jisko english mein common noun kehte hain. To yahan par jativachak sanya mein janwar ko ya machli, phool, phal, shahar, ladka, is tarah ke har prakar ki cheezon ko kya hota hai ki divide karte hain, uski उसकी भाषाओं को बताते हैं. फिर हम यहाँ पर देखेंगे जानवरों को देखेंगे, तो जानवर भी अलग अलग तरीके से होते हैं. जानवर भी अलग तरीका, कौन सा तरीका अलग तरीका, वो डोमेस्टिक एनिमल्स हो सकते हैं, वाइल्ड एनिमल हो सकते हैं, वो यहीं पर जो देखेंगे
यहाँ पर रहने वाले वो मांसाहारी हो सकते हैं या शाकाहारी हो सकते हैं, इस तरह के इनको भी अलग किया जाए। मछली देखेंगे तो मछली में भी तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस आर देयर, देयर फिशेस देयर आर इन स्मॉल फिशेस, बिग फिशेस ऑल्सो इज देयर। सो यहाँ पर फूल, फूल मतलब एक ही नहीं होता है, इसमें बहुत सारे फूल होते हैं, इसमें तरह तरह के। तो हम देखेंगे फूलों में तो बहुत सारे नाम आते हैं, रोज, लिली, जैस्मिन, तो ये एक फूल पर ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, फूल के नाम से ही बोलते हैं यहाँ पर। ऐसे ही हम फल देखेंगे, फल को जब हम देखते हैं तो फल में एक ही फल नहीं होता, तो कौन सा फल होता है, हर वो मौसम भी हो सकता है, एप्पल, पाइनएप्पल और तरबूजा, इस तरह के अलग अलग बहुत सारे फल होते हैं। शहर, छोटा शहर, बड़ा शहर, अदर स्मॉल सिटी और बिग सिटी, सो वी विल कॉल लाइक लड़का द स्मॉल बॉय, बिग बॉय, देयर इज अ वेरिएशन नो, सो व्हाट इज दैट कॉल्ड हियर। तो यहाँ पर लड़का है, छोटा बालक, बड़ा बालक, ये भी होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे फल फूल भी आ गया है, और हम देखेंगे और सब्जियां, सब्जियां मतलब वेजिटेबल, वेजिटेबल सब्जियां मीन्स वेजिटेबल। वेजिटेबल्स में क्या होता है कि तरह तरह के हम देखते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, सो मेनी वेजिटेबल्स विद डिफरेंसेस, सो दिस वेजिटेबल्स, सो इट्स ऑल कम्स इन वन, जो लौकी है, कद्दू है, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, एवरीथिंग इज कॉल्ड वेजिटेबल्स, दिस ऑल कम्स इन वेजिटेबल, सो दैट इज कॉल्ड एज अ जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं उसे, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इसके साथ अगर हम देखेंगे गांव, छोटा गांव, बड़ा गांव, सुंदर गांव, बहुत स्वच्छ गांव, इसे गांव मतलब विलेज, विलेज छोटा विलेज हो सकता है, बड़ा विलेज हो सकता है, तो हम इस तरह हम देखेंगे। अध्यापक, अध्यापक भी इसको डिवाइड करते हैं। तो हम ये सभी किस किस के अंतर्गत आता है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। और हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा, इसमें इस भाववाचक संज्ञा में किसका बोध कराते हैं, अपने भावों को, भावों का मीन्स अपने फीलिंग्स, व्हाट आर द वी आर फीलिंग द इन आवर माइंड और योर हार्ट, द फीलिंग्स दैट इज कॉल्ड इज अ भाववाचक, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दैट इज क्या है, हमारे किसी भाव, अपने फीलिंग, किसी भावों को, भाव क्या है, वो कौन से भाव हो सकते हैं हमारे, दया अभी बताया हमने, क्रोध, हाँ, निराश, क्या इस तरह के, दया, क्रोध, निराशा, इस तरह के जो जो भी आते हैं, प्रसन्नता, ईर्ष्या, ईमानदारी, गरीबी, गरीबी, ईमानदारी, 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 गरीबी, ये सब इसमें आते हैं। अब हम देखेंगे इसके साथ बचपन और किसी भाव, हमारे भाव है बचपन, बचपन मीन्स अवर चाइल्ड एज, बचपन, चाइल्ड एज, दशा, तो चाइल्ड एज ऑल्सो कम्स इन दिस, या बचपन, नेक्स्ट जवानी, यंग एज, टीन एज, जवानी, जवानी, एडल्ट एज, दिस ऑल कम्स इन दिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या सकता है, अपने भावों को, क्रोध, गुस्सा, क्या है, क्रोध, गुस्सा, ये क्या है, इस तरह की बातें आती हैं। गरीबी, ईमानदारी, बचपन, जवानी, ये हैं हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो फिर से एक बार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एंड भाववाचक, ये क्या है, संज्ञा के प्रकार है, क्या है, संज्ञा के प्रकार। इन संज्ञा के प्रकारों में हम दो और भी एक्स्ट्रा है, क्या है वो, कि द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा पांचवा है समूहवाचक संज्ञा, समूह वाचक संज्ञा, क्या है, समूह वाचक संज्ञा। हम यहाँ पर द्रव्यवाचक मीन्स लिक्विडिटी, मीन्स लिक्विडिटी नाउन, सो एज वेल एज समूहवाचक मीन्स वी विल कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक मीन्स कलेक्टिव नाउन। इन हियर दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर दिस थ्री ओनली वी कंसिडर, बट इन ग्रामर बुक्स, एवरी ग्रामर बुक्स इज गिवन दिस टू ऑल्सो, दिस इज वट इज दैट द्रव्यवाचक लिक्विडिटी एंड वट इज अ समूहवाचक, दैट इज द कलेक्टिव नाउन। Here, collective nouns means द्रव्यवाचक, here we, द्रव्यवाचक किसी भी द्रव्य के बारे में बताना, द्रव्य मतलब क्या है,
द्रव के बारे में, क्या किसी भी द्रव्य, एक किसी भी द्रव्य का बोध बोध कराना क्या है? क्या हो सकता है किसी भी द्रव्य का बोध कराना? मतलब ये दूध, घी, दूध मीन्स मिल्क, और घी, सोना, गोल्ड, व्हाट इज दिस नेक्स्ट? चांदी, चांदी मीन्स सिल्वर. नेक्स्ट व्हाट इज कॉल्ड? लोहा, लोहा. दिस ग्रुप सेना, यस. तो चांदी, लोहा ये है, और कोई भी लिक्विड हो सकता है. तो लिक्विड फॉर्म, व्हाट एवर द लिक्विड फॉर्म इज, द्रव्य का बोध हो, एनी लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड दूध, घी. दूध मीन्स मिल्क, घी, सोना, चांदी, ये सब क्या है? लिक्विडिटी में आता है. अभी हम समूहवाचक हैं, किसी भी समूह के बारे में, ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन वी आर टॉकिंग, द ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड अ समूह. तो यहाँ पर हम देखते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल से लिविंग इन द विच एरिया, दे आर लिविंग इन द ग्रुप ऑफ पीपल इन अ, हियर समूह में हम देखेंगे सेना में होते हैं, किसी भी सेना, सेना. ग्रुप ऑफ पीपल इन लिविंग इन द आर्मी, दे आर लिविंग इन द ग्रुप. पीपल, यहाँ पर प्रजा जो बातें करती हैं वो, या फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, या परिवार, 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 ग्रुप ऑफ पीपल्स. हियर अगेन वी टेल फूलों का, ये ग्रुप ऑफ फ्लॉक्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स, ग्रुप ऑफ कीस, बंच ऑफ कीस. दिस आर ऑल कॉल्ड सेना, आर्मी. दिस ऑल अंडर कम्स इन द परिवार. परिवार इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड परिवार. दे आर लिविंग इन द फैमिली, दैट इज कॉल्ड अ परिवार. तो ये सब किस में आते हैं? समूह में आते हैं. प्रजा, प्रजा है, प्रजा मीन्स पीपल. सो ये, तो यहाँ पर हमें आज संज्ञावाचक के बारे में बताइए. तो एक बार मैं आपको छोटा सा, जस्ट आपको जस्ट टेस्ट देना चाह रहा है, छोटा सा टेस्ट है. देखिए, आप मुझे बताइए कि क्या होता है, ये कौन से संज्ञा के अंतर्गत आता है, ये संज्ञा कौन सी है, पहचानिए. आप संज्ञा पहचानिए, संज्ञा पहचानिए. बच्चों अब बताइए, इसमें से संज्ञा क्या है बताइए. तो अमर पेड़ के साथ हर रोज खेलता था, खेलता था. इसमें संज्ञा क्या है? अमर. क्या है? नेम ऑफ द पर्सन. ओके, हियर. सो सेम वे, ताजमहल, ताजमहल आगरा में है, आगरा में है. और एक और है, झुंड में हाथी रहते हैं. नेक्स्ट, झुंड में हाथी. भारत का प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं. मोदी जी हैं. तो बच्चों आप बताइए, इसमें संज्ञा क्या है? तो पहले हम देखेंगे, संज्ञा है पर्टिकुलर पर्सन का नाम है. और ये हाँ, इसमें हम देखेंगे तो ये ताजमहल एक वस्तु है, देखेंगे तो एक विशेष भवन है. इसको भी जातिवाचक संज्ञा में आता है. जातिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक है. और
और ये क्या है, ये कौन सा है, ये स्थान है, ये स्थान। तो एक आगरा एक प्लेस है, एक संज्ञा है, ये ताजमहल ऑल्सो संज्ञा, दिस ऑल्सो संज्ञा, बट इट इज डिफरेंस, इट इज अ जातिवाचक, इट इज अ पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे झुंड, झुंड मीन्स ग्रुप ऑफ, सो यह समूह वाचक में आता है, झुंड, झुंड में रहते हैं, झुंड। हाथी कहाँ पे रहते हैं, झुंड में रहते हैं, हाथी कहाँ रहते हैं, झुंड में। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र, यहाँ पर भारत एक प्लेस है, एक देश का नाम है, और यहाँ पर नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक है, तो इसको इसके बारे में हम जाने। तो आज हम संज्ञा के बारे में इतने अच्छे से डिस्कस किया है, इतने अच्छे मैंने बताया है, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, एक बार फिर से देखिए, समझिए और याद कर लीजिए। वंस अगेन आई एम टेलिंग, देयर इज अ संज्ञा मीन्स एनी प्लेस ऑफ पर्सन, एनी प्लेस ऑफ नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, दिस इज संज्ञा। एंड इट इज अ थ्री टाइप्स ऑफ संज्ञा, व्हाट इज दैट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड थ्री टू मोर इज दैट, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन एंड वन मोर इज लिक्विडिटी नाउन। सो ये है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करके पढ़िए, याद कीजिए, समझिए, तो फिर हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो फिर याद, तो एक बार फिर से याद कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो ये आपके लिए व्याकरण में पहला पाठ है, बस, बाय।